सात सीट वाली यूटिलिटी कारों को ज्यादा स्पेस के लिए जाना जाता है। अगर आपकी फैमिली में 5 से 7 लोग हैं, ये कारें आपके लिए ही बनी हैं। इन कारों को स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स से पहले ही भारत में पेश किया गया था, जिसके कैबिन में ज्यादा स्पेस होने के साथ साथ स्टाइल और कम्फर्ट भी मिलता है। साल 2017 में हमने देखा कि कंपनियों ने बड़ी 7 सीट वाली फैमिली कारों को पेश किया। इसमें स्कोडा कोडियाक, महिंद्रा स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट, टाटा हेक्सा आदि शामिल हैं। अगर आप इस साल कोई नई 7 सीट वाली कार खरीदना चाहते हैं, तो आपको नए ऑप्शन मिलने वाले हैं। ऑटो एक एक्सपो 2018 क्यों इंडिया के ऑटो शो में नहीं आना चाहती ग्लोबल कंपनियां? फॉक्सवैगन टिगुआन। फॉक्सवैगन ने साल 2017 की शुरुआत में 5 सीट ऑप्शन के साथ भारत में टिगुआन को लॉन्च किया था। माना जा रहा है कंपनी इस साल इसे 7 सीट ऑप्शन के साथ लॉन्च कर सकती है। 7 सीट वाली टिगुआन में पीछे की ओर एक एक्स्ट्रा रो लगाई जाएगी। यह टिगुआन में एडिशनल सुफिक्स ऑयल स्पेस या LWB होगा। टिगुआन LWB को ऑटो एक्सपो 2018 में पेश किया जा सकता है। 7 सीट वाली टिगुआन को समान MQB प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया जाएगा। इसमें 2.0 लीटर TDI यूनिट होगी, जो 140 BHP पावर और 40 Nm टॉर्क को जेनरेट करने की क्षमता रखता है। साथ ही इस इंजन को 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक के साथ भी पेश किया जाएगा। डैटसन गो क्रॉस। डैटसन की ओर से साल 2018 की शुरुआत में गो क्रॉस कॉन्सेप्ट को पेश किया जा सकता है। इस कार को गो प्लस के आधार पर बनाया गया है। माना जा रहा है कि इसकी कीमत 6 से 8 लाख रुपए के बीच रह सकती है। निसान का अब ब्रांड डैटसन मार्केट में कारों को लॉन्च करने के मामले में काफी सुस्त है, लेकिन क्रॉसओवर SUV की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में डैटसन की नई क्रॉसओवर कंपनी की ब्रांड इमेज और सेल्स दोनों को बूस्ट देने का काम कर सकती है। महिंद्रा U321। महिंद्रा U321 कंपनी की इस साल आने वाली मल्टीपर्पस व्हीकल MPV होगी, और इसी के साथ यह कार टोयोटा इनोवा को टक्कर देगी। इस 7 सीट वाली MPV में कई प्रीमियम फीचर्स होंगे। इस कार को पहले ही कई बार टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। यह पहली MPV है जिसे कंपनी के ट्रॉय मिशिगन में मौजूद नॉर्थ अमेरिका डेवलपमेंट सेंटर द्वारा डेवलप किया गया है। U321 एक ग्लोबल MPV होगी, जिसे भारत समेत दूसरे देशों में उपलब्ध कराया जाएगा।